का रुख कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से रैली के तौर पर यहां पहुंचे, एक बड़ा हुजूम उनके समर्थकों का, उनके कार्यकर्ताओं का उनके साथ रहा, गाजे बाजे के साथ पहुंच गए हैं अब गुलाब चंद कटारिया नामांकन दाखिल करने के लिए। पहले ही सूची में गुलाब चंद कटारिया का नाम था और वो आना भी स्वाभाविक था। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और ये होता भी है, जितने भी दिग्गज हैं। हालांकि इंतजार कर रहे थे शुभ मुहूर्त का, 12 तारीख से नामांकन की शुरुआत हो चुकी थी और पहली लिस्ट भी यहां रविवार को ही आ गई बीजेपी की, लेकिन इसके बाद इंतजार शुभ मुहूर्त का था और ये कटारिया के लिए शुभ मुहूर्त रहा, उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर से सीधी तस्वीरें, जहां गुलाब चंद कटारिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि आज ही कई दिग्गज हैं, मंत्री हैं जिन्हें टिकट मिला है और वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से दाखिल कर रहे हैं नामांकन, सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं उदयपुर से। हालांकि टाउन हॉल से जब उनकी रैली निकली तो गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ता और समर्थकों में किस तरह से उत्साह था वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये उदयपुर की तस्वीरें हैं जब गुलाब चंद कटारिया पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए और इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो जयपुर की भी तस्वीरें साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। सीएमआर में कोर कमेटी की अहम बैठक जारी है और एक बड़ा बैटल कह सकते हैं इसे राजस्थान का, इस लिहाज से भी कि इस बार बेहद दिलचस्प है विधानसभा चुनाव, जहां बीजेपी जो कह रही थी टिकट कटेंगे, सुना जा रहा था 100-125 लोगों के टिकट कट सकते हैं, टिकट कटे हैं, कुछ मंत्रियों के भी टिकट कटे हैं, मौजूदा विधायकों के भी टिकट कटे हैं, नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन क्या इन सबसे बीजेपी इस बार वापसी कर पाएगी। हालांकि बीजेपी के सभी दिग्गज आश्वस्त है कि सरकार वापस वो बना रहे हैं, लेकिन पहली सूची आने के बाद अब कल दूसरी सूची भी आ गई है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से अब एक एक कर दिग्गज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। 12 तारीख से नामांकन की शुरुआत हो गई है, 19 तारीख अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का और आज 15 तारीख यानी आज का दिन शुभ बताया जा रहा था। अलग अलग शुभ मुहूर्त है जिसमें दिग्गजों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर से, जहां गुलाब चंद कटारिया पहुंचे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। चलिए